सावेर विधानसभा क्षेत्र में ओमेक्स सिटी वन के पीछे बनी गुरुधाम कॉलोनी के रहवासी इन दिनों अधिकारी वर्ग की धमकियों से परेशान हैं। जहां लोगों की माने तो उनका कहना है कि उन्हें कॉलोनी खाली करने के लिए विभिन्न तरह की धमकियां मिल रही है। दरअसल एवी रोड बाईपास पर ओमेक्स सिटी वन के पीछे शासकीय भूमि पर बनी गरीब बस्ती गुरुधाम कॉलोनी में लोग कोरोना संकट के बीच बेरोजगारी से परेशान तो हैं, साथ ही अब उन्हें विभिन्न तरह के लोग खुद को प्रशासनिक अधिकारी बताकर उन्हें परेशान कर रहे हैं और बस्ती खाली करने की धमकियां भी दे रहे हैं। अनेक तरह के दस्तावेज पर दस्तखत करने के लेकर उन पर दबाव बनाया जा रहा है। जहां 300 से 350 लोगों की यह बस्ती रोज कमाने खाने वालों से बनी हुई है, जहां करीब 15-16 सालों से लोग पानवर पंचायत के अंतर्गत बाला खेड़ा ग्राम के काकड़ और अपना आशियाना बनाकर रह रहे हैं, जिसे गुरुधाम कॉलोनी कहा जाता है। इंदौर से सतीश शर्मा के साथ ब्यूरो राकेश सचर की रिपोर्ट। सागर टिकरेले, ये कौन सी कॉलोनी और क्या है पूरा मामला? सर, ये गुरुधाम कॉलोनी है और हम गरीब लोग यहाँ पे सभी लोग रहते हैं। और सर, हमको सरकार की प्रशासन के द्वारा बहुत परेशान किया जा रहा है। आपको मालूम है कि कोविड का दौर चल रहा है, उसके बाद भी ये लोग हमको बार बार परेशान कर रहे हैं। आप बताइए, हम अपनी मेहनत मजदूरी करें या ये प्रशासन के पीछे घूमें? हमें आके बार बार नोटिस दिया जा रहा है, हमको परेशान किया जा रहा है कि आपको यहाँ से कॉलोनी तोड़ना पड़ेगी, आपको यहाँ से भागना पड़ेगा, आपको यहाँ से अलग कहीं और दूसरी जगह जाना पड़ेगा। बताइए सर, हम कहाँ जाएँ? अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाएँ हम लोग? कौन सी कॉलोनी है ये? ये गुरुधाम कॉलोनी है। कितने सालों से आप यहाँ पर रह रहे हैं? सर, हम 2005 से यहाँ पे निवास कर रहे हैं। अभी आखिरी बार कब और कौन आया और क्या कहा आपको? सर, अभी तो पटवारी आया था, पटवारी के अलावा और अन्य लोग जिनको हम जानते पहचानते नहीं है, वो लोग आए थे और हमको नोटिस दे रहे थे और हमसे बोल रहे थे कि आप लोग साइन करो, नहीं तो आप लोगों का सारे मकान तोड़ दिए जाएंगे। क्या था नोटिस में, क्या था, कुछ पता लगा? सर, नोटिस को हमने जानने की बहुत कोशिश की, बहुत उनसे बोला कि सर हमको बताइए, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। सर बताइए, हम बगैर देखा कैसे साइन कर दे, किसी भी चीज पे सिग्नेचर कैसे करें हम लोग? ये कॉलोनी किस जगह पे बसी हुई है, क्या है मतलब मामला यहाँ का? सर, ये कॉलोनी ओमेक्स सिटी वन के बाजू में बाल्याखेड़ा ग्राम पंचायत आती है, पानौड़ ग्राम पंचायत आती है, और यहाँ का सरपंच जो है वो बाल्याखेड़ा का कालूराम सरपंच है। तो सर, वो हमको बार बार यहाँ पे सरकार के द्वारा परेशान इसीलिए किया जा रहा है कि हम लोग यहाँ से कांकड़ हटा नहीं रहे हैं। तो बताइए सर, ऐसे कोविड के दौर में हम अपने बच्चों को, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को लेके कहाँ जाएं? पहले ही तो बेरोजगारी पड़ी हुई है, आप खुद देख रहे हैं सर, तो हम कैसे जाएं अपने बच्चों को? जितने सालों से भी आप रह रहे हैं, जिसके बाद आज पहली बार इस बार कहा कि पहले भी कभी आपको दिया? सर, एक बार 2013 में भी नोटिस आया हुआ है यहाँ के लिए, लेकिन उस टाइम पे क्या है कि इन लोगों ने नोटिस देकर हम लोगों को शांति बना दी थी, बोले आप लोग अभी रुक जाओ, उसके बाद में फिर ये लोग यहाँ से चले गए और कोई मतलब हम लोगों को परेशान नहीं किया गया। आप बिजली का बिल वगैरह भरते हैं यहाँ पर? हाँ सर, बराबर भरते हैं। क्या नाम से, किस स्थान का क्या नाम आता है उसके अंदर? अपनी कौन सी बिजली? कनाड़िया बिजली विभाग में। नहीं, आपका लोकेशन क्या आती है बिल के अंदर, क्या पता लिखा हुआ है? सर, यहीं का पता लिखा हुआ, यहीं का बाल्याखेड़ा पंचायत। अब आप क्या करेंगे? सर, आप बताइए, अगर कहीं हम लोगों की सुनवाई नहीं होती है, या तो हम सर कलेक्टर साहब के पास जाएंगे, वहाँ पे जाके बोलेंगे, या फिर सर हम डायरेक्ट शिवराज सिंह चौहान जी के ऑफिस जाएंगे, क्या करें? भोपाल जाएंगे क्या? विधायक कौन है यहाँ के? विधायक कौन है यहाँ के? तुलसी सिलावट जी यहाँ के विधायक है। आपका नाम बोलो एक बार। जी, मेरा नाम सागर टिकरेले। कौन? रंजना गेड़ीवाल। कौन सी जगह है ये? ये बाल्याखेड़ा कांकड़ है। क्या है पूरा मामला, आप बताएं? पूरा मामला ये सर, बार बार हर कोई आता है, तोड़ने की धमकी देता है। हम पहले ही गरीब लोग हैं, बहुत परेशान है, छोटे छोटे बच्चे हमारे, बारिश का टाइम है और हम कहाँ लेके जाएंगे इनको? उसके बाद बोलते, कोई भी आता है बोले ये तोड़ेंगे, सही मकान तोड़ेंगे, बिना कोई नोटिस आता है। सुबह भी दो लोग आए थे यहाँ पर, वो बोल रहे थे कि इस पे साइन करो कागजों पे। हमने सबने मना कर दिया, भैया काय के कागज है, हमको बताओ। तो उसके बाद वो उठपटांग बातें करने लगा, बोले नहीं आप साइन करो, जबरदस्ती साइन करवाएगा तो थोड़ी ना सर साइन करेंगे जबरदस्ती। और उसके बाद में बोलता, ऐसे नहीं साइन कर रहे तो अभी मैं पुलिस को बुलाता हूँ, लेडीज पुलिस बुलवाता हूँ, फिर तुम डंडे खा के तो साइन करोगे, बोले ऐसे साइन नहीं करोगे तो। तो सर, हम गरीब लोग हैं, हम यहाँ 15-16 साल से रह रहे हैं, उसके बाद इतने परेशान हो रहे हैं यहाँ आना, हमको कोई सुविधा भी नहीं है वैसे भी, फिर भी हम 15-16 साल से रह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? आप लोग वोट डालते हैं? हाँ सर, वोट डालते हैं। कौन है विधायक, पता है आपको? तुलसी सिलावट। अब आप यहाँ पर, अभी आपकी ऐसी समस्या आई है, तो आप क्या कहना चाहेंगे विधायक जी को? हम तो यही कहेंगे कि सर हमारी सुनवाई करें, और अगर हमारी सुनवाई नहीं करते तो हम कलेक्टर ऑफिस जाएंगे, और कलेक्टर भी नहीं सुनवाई करते हैं तो हम भोपाल जाएंगे सीधे। कितने सालों से आप यहाँ पर रह रहे हैं? हमको 15-16 साल हो गए सर, सबको रहते हुए यहाँ पर, अभी तक कोई परेशानी नहीं। कितने परिवार निवास करते होंगे यहाँ पर? यहाँ पर 250 घर की बस्ती है सर पूरी। कितने लोग कितने रहते होंगे, मतदान कितने लोग करते होंगे कम से कम? यहाँ 350 व्यक्ति रहते हैं सर। अच्छा, टोटल कौन लोग आए थे, कुछ जानकारी है आपको यहाँ पर, आपके पास? इसकी जानकारी नहीं है सर, ना उन लोगों ने हमको कुछ बताया, वो तो बार बार पहले और धमका के चले जाते हैं, धमका के चले जाते हैं, डरा के चले जाते हैं। ऐसे में आप पुलिस के पास गए क्या अभी? आपको
आपने किसी पुलिस को कहा क्या? पुलिस अधिकारी वही बोल के जाते हैं कि अभी पुलिस लेके आएंगे, पुलिस भी आती है इधर, और वही बोलते हैं लोग, बोले हम पुलिस लेके आएंगे, डंडे मार के साइन करवा लेंगे तुमसे, नहीं साइन करेंगे तो मतलब मारपीट से साइन करवाएंगे वो, पर साइन जरूर करवाएंगे। वो नोटिस थे क्या थे हमको, हमने इतना ही बोला हमको बताओ आप क्या कागज है, तो हमको हाथ में भी नहीं देखने के लिए दिया हमने। क्या बोलते हैं आके, खाली घर खाली करो, हाँ ये मकान खाली करो, ये पूरी कॉलोनी टूटेगी, ये दो दिन के अंदर बोले यहाँ पे जेसीबी चलवा देंगे, फिर तो हटोगे बोले, फिर तो जाओगे यहाँ से बोले, एक ही बार में पूरा साफ करवा देंगे। कोरोना काल चल रहा है, आप ऐसे में यदि आपके मकान टूटते हैं तो आप क्या करेंगे आगे? आप क्या कर सकते हैं हम सर, पहले ही तो पूरी इतनी वो है, कोरोना का संकट, कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है, उसके बाद छोटे छोटे बच्चे हमारे, पहले तो मोदी जी बोलते हैं कि भीड़ मत करो, और वो लोग आके जनता फैली करते हैं, तो हमारे कॉलोनी तो सुरक्षित है, उसके बावजूद बाहर के लोग आते हैं यहाँ परेशान करेंगे, तो कल से हमारी कॉलोनी में भी फैल सकता है। हमारे बहुत छोटे छोटे बच्चे यहाँ से वहाँ तक, कम से कम 200-250 तो छोटे छोटे बच्चे ही हैं इधर। आपका नाम बोल दो एक बार। मेरा नाम, क्यों लोग आप यहाँ पर एकत्रित क्यों हुए हैं सभी लोग, बताएं क्या कारण है? यहाँ पे परेशान कर रहे हैं, ये क्या मानूं, एसडीएम आ रहा है या कलेक्टर आ रहा है या पटवारी आ रहा है, ये चीज़ हमको पता नहीं, और उन लोगों से हम पूछते हैं तो बताते भी नहीं, डायरेक्टर बोलते आप यहाँ पे साइन करो, आप लोग को हटाया जाएगा, तब ये उसको बिगर बताए कैसे बताते हैं। क्या नाम है आपका? प्रहलाद सिंह राणा। क्या काम करते हैं आप? मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ सर। कितने लोग रहते हैं आप घर में, परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में 7 लोग हैं। अब यदि ऐसे में आपके घर को यहाँ सब तोड़ने की और साफ करने की बात की जा रही है, और यदि हो जाता है तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे, तोड़ने थोड़ी देंगे सर, आज का थोड़ी रह रहा हूँ मैं, आज का नहीं रह रहा हूँ सर, मैं 2008 से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, कोई लोग बाद में आए हैं यहाँ पे, कोई अभी भी आए हैं। क्या ये कौन सी पंचायत में आता है? ये पानौर पंचायत में आता। अभी कोरोना काल चल रहा है और आने वाले समय में चुनाव भी होंगे यहाँ पे, सरपंच का भी चुनाव होगा, तो क्या करेंगे ऐसे समय में आप? अब क्या करेंगे, हमको नहीं जोड़ेंगे तो उनका साथ थोड़ी देंगे, हम तो हमारी लड़ाई लड़ेंगे कोई भी हो। प्रशासन से आप क्या कहना चाहते हैं ये बताएं? प्रशासन से यही कहना चाहते हैं, अगर ये यहाँ से तोड़ा जाए तो हम लोगों को कहीं भी व्यवस्थित जगह रखा जाए, इसके बाद में हम यहाँ से हटेंगे, जब तक हम यहाँ से पाँव नहीं हटाएंगे, क्योंकि गरीब लोग हैं, अभी 1-2 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे, 4 लाख का प्लाट मिलेगा, 5 लाख का मिलेगा, खाने का ही शासन पड़ रहा है यहाँ तो, खाने की तकलीफ पड़ रही है, खाने की तकलीफ आ रहा है ना, कोई किलो भर आटा लाता है, शाम को 5 किलो लाता है, कोई 2 किलो लाता, ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे रह रहे हैं, अभी ये हटा देंगे। कोई व्यवस्था नहीं है हमारे पास यहाँ, लाइट की व्यवस्था है हमारे पास, पानी की कुछ भी नहीं है, वो भी लाइट है हमारे पास, 6 घंटे की लाइट है, कभी आती है कभी नहीं आती है। आपका नाम बोल दो एक बार। प्रहलाद सिंह। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।